हेलो, माय ऑल ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चिल्ड्रन, आज क्लास 5 का कंप्यूटर का लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया है चैप्टर का। चैप्टर फर्स्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसे आप लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के हिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, इसके बारे में जाना था हमने। कंप्यूटर की हिस्ट्री मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है कंप्यूटर की, सबसे पहले डिवाइस कौन सी थी, कैसे कैसे कंप्यूटर आगे ग्रो किया है, वो सारी चीज़ें हमने जाना। अबेकस के बारे में पढ़ा हमने, नेपियर बॉन्स, ये सब डिवाइसेस का नाम है, पास्कलाइन, लेबनीज कैलकुलेटर, जैकवार्ड लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, यूनिक एंड यूनिवैक, ये सारा डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और उसके बाद हमने सेकंड में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हमने जाना था। ठीक है, इसमें फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन क्या है, 1940 to 1956। सेकेंड जनरेशन के बारे में हमने जाना था, 1956 to 1963। एंड उसके बाद हमने थर्ड जनरेशन के बारे में जाना था, 1964 to 1971। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, फोर्थ जनरेशन। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1971 टिल नाउ, मतलब 1971 से अब तक। ठीक है, ये है आपको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1971। फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ श्रेणी का जो आपका कंप्यूटर है वो 1971 से प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड बाई दीज कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया था बच्चों, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा था, आईसी चिप, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में, थर्ड जनरेशन में, अब उसको रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा। और एक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन इट। माइक्रो प्रोसेसर क्या, एक बहुत ही छोटी सी चिप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आईसी चिप आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉलर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, यानी अब जो कंप्यूटर हो गया, वो बहुत ही छोटा, फास्ट वर्क करने वाला, और मेमोरी उसकी पहले से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब नाउअडेज जो कंप्यूटर हैं वो छोटे भी हैं, वर्क भी तेज करते हैं, फास्टर भी हैं, और जिनमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दीज कंप्यूटर्स कैन रन मेनी प्रोग्राम एट अ टाइम। और ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनकी एक और क्वालिटी है कि एक ही समय पे कई सारे प्रोग्राम इसमें रन हो सकते हैं, एक ही टाइम पे आप कई सारे टास्क इस पर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वर्क स्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर एटसेट्रा। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में हम पीसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ब्रेन बॉक्स भी देख लेते हैं। ब्रेन बॉक्स में क्या है, आईबीएम का फुल फॉर्म। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन एडवांस स्टेज। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। फोर्थ कंप्यूटर था माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड था आईसी चिप, इसके पहले वैक्यूम ट्यूब है ना, लेकिन आपका जो फिफ्थ जनरेशन आया ये आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मानव की तरह आप जिस हिसाब से कुछ भी सर्च करेंगे, मानव क्या सोचता है उस हिसाब से सोचता है, डिसीजन लेना, ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। इसलिए फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या है, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही हायर लेवल पे है। दीज कंप्यूटर्स आर जनरली रेफर्ड टू एज सुपर कंप्यूटर, दे आर वेरी पावरफुल। ये जो कंप्यूटर से ये सामान्यतः क्या, सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है,
दे विल यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, इट डिनोट्स दैट दे वुड थिंक डिसाइड एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स ऑन दियर ओन, और ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकते हैं और निर्णय डिसाइड भी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, दीज कंप्यूटर्स विल हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडेड टू देम, इन कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा इनका जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें एडेड है, ठीक है, जिससे वो ह्यूमन की तरह यानी मानव की तरह एक्ट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। लेट अस क्विक लुक एट सम डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ दी जनरेशन, आइए देखते हैं एक लुक, ठीक है, जो हमने ऊपर सारा डिटेल में पढ़ा है उसको शॉर्ट में एक चार्ट हम देखते हैं, इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग को इस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहला जो है 1940 to 56 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें इनपुट डिवाइस क्या था, पंच कार्ड, और आउटपुट डिवाइस भी था पंच कार्ड, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब्स पे, यानी जो सॉफ्टवेयर जिस पे ये बेस्ड था वो है वैक्यूम ट्यूब्स, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, यूनिवैक ENIAC IBM 704। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1956 to 63, ठीक है, और इसमें इनपुट के लिए क्या यूज़ होता था, पंच कार्ड मैग्नेटिक टैप्स, ये था इनका इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस सेकंड में क्या था, पंच्ड कार्ड, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से कंप्यूटर है, IBM 1401 हनीवेल, ठीक है। देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो टाइम पीरियड है 1964 to 71 है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड। इस इनपुट डिवाइस था इसमें कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, ठीक है। और इसका जो बेस था जिस पे वर्क करता था वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इन IC चिप भी से हम कहते थे, ठीक है। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया IC ने, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ने, ठीक है। इसमें एग्जांपल है IBM 360 Apple 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1971 to present till now, मतलब 1972 से अब तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर पर, यानी फोर्थ जनरेशन में IC चिप को रिप्लेस कर दिया माइक्रो प्रोसेसर ने। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज़ को, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गया, वैक्यूम रिप्लेस हो गया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया, IC चिप आ गई, ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गया, और फोर्थ में क्या हुआ, IC भी रिप्लेस हो गई, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ये और भी स्मॉल चिप थी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर, ये है फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें दो चीज़ें, इसका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, एंड इसका जो सर्किटिंग, ये जो यूज़ हुआ है, किस पे बेस्ड था, ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ये और कंप्यूटर में जो एग्जांपल दिया गया, ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये थ्री थिंग्स आपको वन डे एग्ज़ाम में भी काम आएगा और ऐसे भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन, अबेकस क्या थी, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ था, किसका, अबेकस का, ठीक है। यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबेकस। एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल इंजन,
पहला मैकेनिकल इंजन कौन सा है? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, कौन सा था, सॉरी. द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड वॉज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था? ENIAC, और उसका फुल फॉर्म न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है. डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड इन 5 generation. और जो डेवलप हुआ, जो प्रोसेस हुआ कंप्यूटर का, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, उसे हम 5 generation में डिवाइड कर दिए, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम पढ़े ना ऊपर, वही वो कंप्यूटर का क्या है, डेवलप होने का एक प्रोसेस है. पहले में कुछ और चेंज, सेकेंड में कुछ और अपडेट, थर्ड में कुछ और अपडेट, फोर्थ में कुछ और अपडेट, और फिफ्थ में एडवांस लेवल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा. चलिए देखते हैं. द फर्स्ट जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी. जो आपका फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. आपका देखिए जो शॉर्ट में है, इसमें नोट्स में है ना, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है. आगे देखते हैं. द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर एंड IC रिस्पेक्टिवली. जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर और IC का यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, ठीक है. द प्रेजेंट डे सिस्टम बिलोंग टू 4th generation विच आर बेस्ड ऑन माइक्रोप्रोसेसर. और आज के टाइम में जो सिस्टम है वो 4th generation में आ गया, और इसमें क्या यूज़ होता है? माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है. 5th generation कंप्यूटर आर द फ्यूचर कंप्यूटर विच आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो 5th generation का कंप्यूटर है, जो भविष्य का 5th generation का कंप्यूटर है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि मानव की तरह एक्ट कर सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है, एक्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. आज चैप्टर फर्स्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है. अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. और आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है. आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. और चैनल अगर आपको पसंद आता है, लेक्चर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे. बाय बाय.